ये एक्सरसाइज है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है चैप्टर नंबर 7 का। ये एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यू आपके चैप्टर में से ही आने होते हैं, चैप्टर की एक्सरसाइज में से। अगर 17 एमसीक्यू आ रहे हैं तो उसमें से कम अज कम 15 एमसीक्यू, और मे भी बाज दफा ऐसा होता है 17 के 17 एमसीक्यू उठा के एक्सरसाइज में से दे देते हैं। ये एक चीज आपको एडवांटेज है कि आपके जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज में से आते हैं। अच्छा, जो इनके साथ पॉसिबल एमसीक्यू बनते होंगे ना, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। मे भी ये थोड़ा सा वर्ड चेंज करे और इस तरह भी दे सकता है, थोड़े से लफ्ज चेंज करेगा, थोड़ा सा वर्ड चेंज करेगा, एमसीक्यू का आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए, ए फर्स्ट एमसीक्यू है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। अब कहता है मीथेन है मेरे पास इसमें। अच्छा, सबसे पहले ना आपने एक बात याद रख लेनी है, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आपको फौरन पता चल जाएगा ये जो कार्बन एटम में ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। अब देखते जाना जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए। चले, तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, इनके अलावा कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता। या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सही, आपने इन सब में बतानी है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अगर तो कार्बन एटम में है सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ, तो वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी जी sp3। अगर वो हमारे पास डबल बॉन्ड तो उसको कहते हैं ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आ जाए तो उसको कहते हैं ये sp2 होगी और ये sp हाइब्रिडाइजेशन। बस सिंपल सी बात। और इसके अलावा चंद एक चीजें और भी याद रख लीजिएगा, sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है, sp2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का, और sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। इसके अलावा चंद एक बात है और भी याद रख लीजिएगा, ये वो चीजें जो कि एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे भी और आगे भी। इनकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। पहली बात आपने याद रखनी है। सेकंड नंबर पे इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर, सही है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर। क्या होती है? लीनियर। और अगर इसकी बात की जाए एग्जाम्पल की, तो इसकी एग्जाम्पल बनती है मीथेन, मीथेन और इथेन, यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। इसकी एग्जाम्पल बनती है इथीन, इसकी एग्जाम्पल बनती है इथीन, इसकी एग्जाम्पल बनती है इथाइन। इथाइन के अलावा इसका सेकंड नेम भी हम यूज कर सकते हैं, एसिटाइलीन। ये चंद एक चीजें ऐसी हैं जो कि एमसीक्यू के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। अब देखें मीथेन के अंदर कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। पहला एमसीक्यू sp3 है। सेकंड में, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। ये थोड़ा सा समझिएगा, हालांकि ये चीज आगे आनी है, ये गलत तरीके से दिया गया एमसीक्यू, लेकिन मैं समझा देता हूँ टर्शरी का मतलब क्या होता है। कहता है मैंने टर्शरी अल्कोहल ली है, ये वाला इसमें टर्शरी अल्कोहल होती है, यहाँ पे OH लगे, ये मजीद तीन कार्बन एटम से जुड़ा हो, CH3 CH3 CH3। बाद में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जी आपने हाइड्रोजन इस साइड पे लगा दिया मतलब बॉन्ड हाइड्रोजन का बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये अंडरस्टूड बात होती है कि बॉन्ड हमेशा कार्बन का ही बनेगा, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है वो कार्बन के साथ ही होता है। सही, अब इस चीज को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप आ गया। अब इसको टर्शरी क्यों कहते हैं? अब देखें, ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है, जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है, आपने उस कार्बन एटम पे नजर रखनी है। क्या करना है? इस कार्बन एटम पे नजर रखें। अब आपने मुझे ये बताना है ये मजीद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब तीन टर्म मतलब थर्ड, सेकंड सेकेंडरी को कहते हैं जिसमें दो कार्बन से मजीद जुड़ा हो, और प्राइमरी जिसमें एक ही कार्बन हो, जिसमें एक कार्बन। अब उसका क्वेश्चन ये है कि टर्शरी अल्कोहल के अंदर जो हमारे पास कार्बन एटम है, इसके साथ कितने टर्शरी कार्बन, इसको टर्शरी कार्बन कहते हैं, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? कितने? कोई भी नहीं है, तो इसलिए नो हाइड्रोजन एटम। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव प्लेनर ट्राई एंगुलर शेप। देखे प्लेनर ट्राई एंगुलर शेप किस में आती है? sp2 में। ये हमारे पास करेक्ट आंसर, ट्राई एंगुलर प्लेनर या प्लेनर ट्राई एंगुलर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आएगी।
इसके बाद द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज, ये तो वुलर है, ये तो आपको वैसे ही पता होगा कि वुलर ने पहली दफा इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया था और इसी ने ही वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन की थी। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर शेप होती है, देख रहे हैं लीनियर शेप है जी हमारे पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन में, सही है। अब इसके बाद लास्ट वाला एमसीक्यू नंबर 6 है, अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड सिग्मा होते हैं और कितने बॉन्ड पाई होते हैं, ये बात आपने बतानी है। देखिए ये डबल बॉन्ड है, हमेशा ये बात याद रखिएगा एक चीज कि जो पहला बॉन्ड होगा ना उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे हमेशा। अब उसने बात की डबल बॉन्ड की, आप देखें जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा है, बाकी जितने बचे वो पाई है, ये क्या है मेरे पास एक पाई है एक सिग्मा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड पूछ लेता है तो आपसे ये बात पता नहीं, पहले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, बाकी तो जो दो बचेंगे बॉन्ड उसको हम कहते हैं ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है हमारे पास पाई बॉन्ड है। इथर शोज द फिनोमेना, हमने आइसोमरिज्म के सारे टाइप्स पढ़ी हुई हैं, अब आपने बताना जी इथर कौन सा फिनोमेना शो करता है। आप देखें ये वाली चीज इथर होती है, ये वाली चीज इथर, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बना के बता देता हूं आपको, ओ ये चीज इथर है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप इथर, ये कौन सा फिनोमेना शो करेगा, पांच टाइप्स हैं, तो ये शो करेगा मेटामरिज्म, कौन सा मेटामरिज्म, यानी कि उसमें क्या होता था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड, या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड, मतलब क्या होगा एक दफा ये बना दी एक दफा ये बना दी। अब आप कहें सर जी एक तो हमने एक और भी चीज पढ़ी हुई, ये भी इथर का था, आपने मेटामरिज्म बनवा दिया है, अब एक हमने इस तरह के पढ़ा था CH3O CH3, बेशक इसके साथ ही बना लें, सेकंड टाइप हमने ये बनाया था CH3CH2OH, ये भी तो फिनोमिना फंक्शन ग्रुप वाला, लेकिन उसने साथ में अल्कोहल मेंशन नहीं की, इथर एंड अल्कोहल, सही है। अगर अल्कोहल साथ मेंशन करेगा तो ये वाला फिनोमिना शो करेगा, वरना ये वाला ही होगा मेटामरिज्म, मेटामरिज्म इसका करेक्ट आंसर है, सही है। सिलेक्ट द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल, कहते चांदे के एमसीक्यू दिए गए आपको, इसमें से ये आपने सिलेक्ट करना है कौन सी अल्कोहल है। अब देखिए जिसके अंदर ये वाला फंक्शन ग्रुप आ जाएगा ना, ये वाला OH, वो चीज हमारे पास अल्कोहल होती है। देख ले किसके अंदर फंक्शन ग्रुप OH वाला आ रहा है, ये A वाले CH3CH2OH, ये वाला हमारे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, ये वाली चीज हमारे पास अल्कोहल है। ले जी हमारे पास सारे के सारे एमसीक्यू हो गए हैं, एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने बीच में ही बनवा दिए हैं सारे के सारे, जितने पॉसिबल बनते थे उनके अलावा भी बनवा दिए हैं। अगर कोई बच्चा, मैं पहले भी बता रहा था कि अगर कोई बच्चा सारी चीज़ें याद नहीं कर सकता तो कम से कम जो शॉर्ट क्वेश्चन बनवाए हुए हैं ना मैंने वही याद कर ले, उम्मीद है कि इनमें से ही आ जाएंगे, उम्मीद है, कोई दो तीन बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन, एग्जामिनर कितने काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन बना लिए, जो पॉसिबल बनता था हमने बनाया, सही है। चलो जी आज के लिए इतने काफी, कल को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्लाह हाफिज़।